हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स कार्ट। हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनइक्वालिटी है दैट इज द एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। ठीक है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हम कर चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है, तो ये चीज़ें आएंगी। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट देखना होता है डोमेन रेंज में, वो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू का ध्यान रखेंगे। बेस वही बेस है जो लॉग वाला बेस था, और बेस वैल्यूज में ऐसा होती है कि दैट कैन लाई बिटवीन 0 एंड 1, या फिर बेस वैल्यू लाई करती है ग्रेटर देन 1। अगेन बेस के नॉट बी इक्वल टू 1, राइट। और दूसरी बात हम ये कर लें इसकी कि जो a टू द पावर x में जो एक्सपोनेंट है x, x कोई भी रियल नंबर ले सकता है, x कैन टेक एनी रियल नंबर। तो ये तो इनका डोमेन और रेंज हो गया। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज जो है y बिलोंग्स टू r आ जाता है, y बिलोंग्स टू r प्लस आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज r प्लस। अभी हम ग्राफ देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा क्लियरली कि y की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमेशा पॉजिटिव मिलती है। सो दैट्स व्हाई दिस रेंज y बिलोंग्स टू r प्लस, एंड दिस x वैल्यू, x जो कि डोमेन है उसका, दैट इज बिलोंग्स टू r। और रही बात आपकी बेस वैल्यू की, तो बेस वैल्यू वापस 0 to 1 और a इज ग्रेटर देन 1 चलता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से। ग्राफ से हमें बहुत क्लियर आइडिया आ जाता है कि इसको क्या रखना है और इनइक्वलिटी क्यों चेंज होती है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी कब क्यों चेंज होता है, इसका हमें क्लियरली मालूम चलता है। तो देखिए, ये है हमारा a टू द पावर x का ग्राफ, राइट। और इसमें दो कंडीशन लग रही हैं, जब बेस वैल्यू आपकी लाई कर रही है 0 to 1, और सेकंड केस हम ले लेंगे जब आपका बेस ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो 0 to 1 में ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, दिस इज द ग्राफ व्हेन बेस इज लेस देन 1। तो ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ आता है इसका, और इस ग्राफ की शेप होती है इस तरह की, ठीक है ना। अभी हम उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ग्राफ की शेप हमें मालूम होनी चाहिए। दिस पॉइंट इज 0 1 कोऑर्डिनेट, 0 0, ठीक है। और सेकेंड, जब बेस ग्रेटर देन 1 चलेगा तो इसका इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, और वो ग्राफ जो है हम इसको यहाँ बना दें, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1 देन द ग्राफ इज लाइक दिस, राइट। तो वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है एक तरह का, दैट ग्राफ इज ए इंक्रीजिंग ग्राफ। ये ग्राफ इस तरह से आता है, ये कोऑर्डिनेट आपका 0, 1 होता है, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज द कंडीशन, राइट। अब हम इसकी डायरेक्ट इनइक्वलिटी देखें कि इस पे दो पॉइंट्स अगर लिए जाएं, मान लीजिए x1 ले लेते हैं, ठीक है, x1 और x2, और यहाँ पे आप देखिए x2 पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, बैक साइड में लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इस पे x1 के करस्पॉन्डिंग ये आपका ग्राफ है व्हेन बेस इज लेस देन 1, 0 to 1 के बीच का बेस है, और x1 के करस्पॉन्डिंग जो उसमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिलेगी वो ये वाली आएगी। सो दिस इज a टू द पावर x1, दिस इज a टू द पावर x1 ऑन द y कोऑर्डिनेट, राइट। एंड दिस इज x2, जब अगर x2 है, देखिए x2 है, तो यहां पे आपको वैल्यू मिल रही है a टू द पावर x2। सो ऑन द y कोऑर्डिनेट दिस इज a टू द पावर x2 इज ग्रेटर देन a टू द पावर x1। So we can say that as a to the power x2 is greater than a to the power x1. A to the power x2 is greater than a to the power x1. This is the coordinate y value. This is basically, क्योंकि हम graph जो बना रहे हैं वो y equals to a to the power x का graph दोनों cases में draw हुआ है, ठीक है। When a to the power x2 is greater than a to the power x1, और directly हम यहां पे ये भी देख सकते हैं कि x2 इज लेस देन x1 ऑन द एक्स एक्सिस, जो ग्राफ बना हुआ है वो भी आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। तो ग्राफिकली भी वहां से निकाला जा सकता है, और फिर हम उसको बाद में वैसे सीख लेते हैं कि ऐसा होता है जब बेस जो है आपका 0 to 1 के बीच में चले, देन यू कैन से x2 इज लेस देन x1। सो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करता है, ठीक है ना। सो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंजेस। तो देखिए, बेसिक रूल ये हो गया कि जब बेस बिटवीन
0 to 1 के बीच में हो और हम एक्सपोनेंट कंपेयर करेंगे, देन यू हैव टू चेंज द साइन. अगर यहां पे ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस हो तो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है. ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो तो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा. मींस बेसिक पॉइंट इज दैट आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना है, राइट. अब हम इस ग्राफ की तरफ आ जाए, इसको देखें कि यहां पे वैल्यू ले लेते हैं दो. लेट से x1 लिया, x1 के करस्पॉन्डिंग हमें जो वैल्यू मिलने वाली है, x1 के करस्पॉन्डिंग मिलेगी a टू द पावर x1, और ये बात तब चल रही है जबकि आपका बेस ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना. बेस ग्रेटर देन 1 है, x1 के करस्पॉन्डिंग a टू द पावर x1 आ जाएगा. व्हेन यू गो टू द x2 वैल्यू, x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी आपको a टू द पावर x2. अब आप डायरेक्ट वही, अभी हम बिल्कुल बहुत ओपनली ग्राफिकली देख रहे हैं उस बात को, एज वी कैन से दैट a टू द पावर x2 इज ग्रेटर देन a टू द पावर x1, राइट. एंड सो वी कैन से, सो मीन्स ग्राफिकली भी देखा और हम वैसे भी देख पा रहे हैं यहां पे कि हम देख रहे हैं कि x2 इज ग्रेटर देन x1 ही आ रहा है, ठीक है. सो x2 इज ग्रेटर देन x1 आ रहा है. तो यहां पे ये कंक्लूड करेंगे कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करती है, ठीक है. सो नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी. तो बस यही पॉइंट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें सीखने का एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में, कि यदि बेस ग्रेटर देन 1 हो, बेस ग्रेटर देन 1 हो और आप एक्सपोनेंट कंपेयर कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा और एक्सपोनेंट उसी इनइक्वालिटी के साथ में लिख दिए जाते हैं. a टू द पावर x2 इज ग्रेटर देन a टू द पावर x1 था तो हमने x2 इज ग्रेटर देन x1 लिखा, तो साइन चेंज नहीं किया. ये की पॉइंट ये हुआ. इसी और यहाँ पे 0 टू 1 बेस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेंगे जब आप एक्सपोनेंट कंपेयर करते हैं, ठीक है. इस पर क्वेश्चन लेते हैं. देखिए एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसको पहले सॉल्व करने से पहले आप देखिए कि यहाँ 2/5 की पावर किया हुआ है इसने और यहाँ 25/4 है, तो ये हमें समझ आ रहा है कि 25/4 को 5/2 होल स्क्वायर लिखना है, तो वो आप लिख देंगे इसमें 2/5 6-5x. और फैक्टर्स का हमें एक चीज पता है कि x माइनस समथिंग इस तरह से लिखना होता है, तो ये जो फैक्टर इसने थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है इसमें से कॉमन माइनस ले लें, ये भी कर दें एंड टू एंड, 5x-6 हो जाएगा एंड दिस विल बी, और नीचे वाला तो डायरेक्ट चेंज किया जा सकता है 5x+2, ठीक है, वो जो जिस तरह से वैल्यू है. और इधर आप इसको लिखेंगे 5/2 का होल स्क्वायर, राइट. और एक और काम, 2/5 को रेसिप्रोकेट अगर करेंगे 2/5, सो 2/5 को लिखा जा सकता है 5/2 की पावर -1, रेसिप्रोकेट करके -1 पावर लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2 की पावर -1 और उसकी पावर फिर ये है. तो देखिए इसको मैं थोड़ा दिखा दूं आपको कि ये आप लिखोगे 5/2 की पावर -1 और उसकी पावर ये है, पूरा नंबर है 5x-6 डिवाइडेड बाय 5x+2 है, लेस देन 5/2 टू द पावर 2 है. तो जब पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये माइनस हट जाएगा, राइट. तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5/2 टू द पावर 5x-6 डिवाइडेड बाय 5x+2 लेस देन, एंड दिस इज 5/2 होल स्क्वायर, राइट. अब देखिए बेस हमने एक जैसा कर लिया और इसमें एक्सपोनेंट कंपेयर करने वाले हैं, बेस इज ग्रेटर देन 1, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, मालूम है, ठीक है. जब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, सो यू कैन राइट द 5x-6 डिवाइडेड बाय 5x+2 लेस देन 2. ये देखिए एक्सपोनेंट कंपैरिजन हुआ है और 5/2 अब हमने हटा दिया जब कंपेयर कर दिया एक्सपोनेंट को. तो अगले स्टेप में जब ये लिख रहे हैं तो ये -2 इधर आएगा और साइन वैसे के वैसे ही रहेगा, एंड देन यू हैव टू टेक द एलसीएम 5x+2, तो ये देगा 5x-6 और इससे मल्टीप्लाई करते हुए लिख देंगे -10x-4 <0, ठीक है. तो ये हमें मिलेगा -5x-10 डिवाइडेड बाय 5x+2 <0.
ठीक है, फिर हमारी कंडीशन हम जानते हैं इनइक्वलिटी सॉल्व करते हुए, यहां से आप माइनस फाइव कॉमन लेंगे, एक्स प्लस टू लिखा जाएगा और इधर आएगा फाइव एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। अगला स्टेप ये कहता है कि माइनस फाइव से दोनों तरफ डिवाइड किया, डिवाइड किया तो ये हट गया यहां से और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर गया। ठीक है, ये पोजिशन आ गई। क्रिटिकल पॉइंट देखिए आपको मिल रहा है माइनस टू, माइनस टू क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है और माइनस टू अपॉन फाइव मिल रहा है, तो डेफिनेटली माइनस टू और पीछे आएगा, माइनस टू अपॉन फाइव इधर आएगा। और अब लास्ट में जो साइन चल रहा है, लास्ट में ग्रेटर देन का साइन चल रहा है एंड दिस इज प्लस माइनस प्लस, बहुत ही आसान है ये इसको सॉल्व करना। ठीक है, और जब हम यहाँ पहुँच गए तब आप सॉल्यूशन लिख दीजिए, देयर फॉर फाइनल सॉल्यूशन ही लिखा जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनेट टू माइनस टू, माइनस टू नॉट इंक्लूडेड यूनियन, दिस इज माइनस टू अपॉन फाइव टू इनफाइनेट, तो ये इनफाइनेट तक जाएगा। बस बहुत ही आसान था, खाली ध्यान ये रखना था कि बेस एक जैसा करना था, एक जैसा बेस किया तो फिर आप पावर कंपेयर करा दिया, पावर में हमने देखा बेस ग्रेटर देन वन है, बेस ग्रेटर देन वन है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं किया। ठीक है, और हमने उसको सॉल्व कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है, थ्री टू द पावर एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन वन अपॉन नाइन टू द पावर वन बाय एक्स, तो अगेन यू हैव टू क्रिएट द सेम बेस और उसके बाद में पावर कंपेयर कर देंगे। तो थ्री टू द पावर एक्स प्लस टू ठीक है ग्रेटर देन, और वन अपॉन नाइन को लिखा जा सकता है थ्री टू द पावर माइनस टू, सो दिस इज थ्री टू द पावर माइनस टू टू द पावर वन बाय एक्स, तो उसको आप बेटर फिर लिखोगे थ्री टू द पावर एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन थ्री टू द पावर, पावर मल्टीप्लाई होगी सो थ्री टू द पावर माइनस टू बाय एक्स। अब हमने सेम बेस कर लिया, जब बेस सेम है तो आप पावर कंपेयर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सो यू कैन राइट द एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन माइनस टू बाय एक्स, और बाकी जो काम है वो ये है कि वेरिएबल क्वांटिटी सारी लेफ्ट हैंड साइड में लानी होती है, वो इनइक्वलिटी के रूल्स हैं। एक्स प्लस टू बाय वन था और ये हो जाएगा प्लस टू बाय एक्स ग्रेटर देन जीरो, राइट। एलसीएम वगैरह लेंगे इसमें, एक्स लेंगे तो इससे एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स मिलने वाला है, प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स को वन टाइम, सो दिस इज प्लस टू, राइट, प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप कि पॉइंट ये है कि इसमें अगर इसका डी चेक करें तो डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव मिल रहा है और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, उसको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ऑलरेडी है ही है तो आप थोड़ा समझने के लिए ऐसा कर सकते हो प्लस वन इधर अलग कर लो, राइट, एंड दिस इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये देख रहे हैं कि एक्स प्लस वन होल स्क्वायर हो रहा है प्लस वन एक्स ग्रेटर देन जीरो मिलता, राइट, और एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है, इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है और प्लस वन मिलेगा, तो दिस पोर्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, एक्स की कोई भी वैल्यू हो इसके लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो पॉइंट ये आ जाता है कि जब ये पॉजिटिव ही है सारा तो, और पॉजिटिव नंबर यह है, और अब हम एक चीज देखें कि जब ए बाई बी ग्रेटर देन जीरो और उसका a अगर हमेशा पॉजिटिव हो तो b जो डिनोमिनेटर है वो भी पॉजिटिव होगा, तो हमें डायरेक्टली यहाँ से एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि सो यू कैन से दैट x इज ग्रेटर देन जीरो। देखिए डायरेक्ट हम इस कंक्लूजन पे आ जाएंगे, ये चीज़ लिखी थी, इसको स्क्वायर करके प्लस वन देखा हमने, हमने देखा कि ये ऑलवेज, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सो इफ एनी नंबर a बाई बी इज ग्रेटर देन जीरो है तो आप समझ ही रहे हैं कि हमें उसको x ग्रेटर देन जीरो लिखना है, और यही फाइनल सॉल्यूशन हो गया इसका, एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन इज दैट x बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्लाइटली मॉडरेट लेवल का है और इसमें आप देख रहे हैं कि 1 बाई थ्री दे रहा है, इधर 9 दे रहा है, तो ये तो बात समझ आ जाती है कि हम 3 की पावर हम इसको कंपेयर कराएंगे, आप इंटरनली इसको 3 की पावर माइनस 1 लिख सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज एक्स प्लस टू मॉडुलस, राइट, डिवाइडेड बाय, अच्छा अब इसका जो मॉडुलस है 2 माइनस मॉड एक्स है, और एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी है बट मॉडुलस कंटेन कर रहा है, तो हमें उसके केसेस बनाने पड़ेंगे, तो क्यों नहीं हम यहाँ एक माइनस कॉमन ले लेते हैं,
सो दिस इज मॉड एक्स माइनस टू क्रिएट हो जाएगा राइट एंड ग्रेटर देन इस 9 को आप 3 स्क्वायर लिख लीजिए पावर कंपेयर करने के लिए ठीक है और इस माइनस को हम जब पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको दिस इज 3 टू द पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय दिस इज मॉड x माइनस 2 राइट और ये माइनस पावर जो है पावर कंपैरिजन में ये यहां पे भी लिखी जा सकती थी माइनस माइनस प्लस हो गया पावर मल्टीप्लाई हो गया ठीक है एंड दिस इज 3 स्क्वायर सो अब एक्सपोनेंट कंपेयर करा लेते हैं क्योंकि दोनों में बेस 3 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी एज इट इज रहने वाला है दिस इज x प्लस 2 मॉडुलस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 2 तो क्यों नहीं हम इस 2 को इधर ले लें माइनस 2 ग्रेटर देन 0 लिख दिया जाए और अब यहाँ पे केसेस बनने वाले हैं कई सारे 3 केसेस बनेंगे बिकॉज एक का आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलने वाला है इससे माइनस 2 और 0 ठीक है तो मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ चलिए यहां से ले लेते हैं हम लोग इसमें क्रिटिकल पॉइंट हम क्रिएट कर देंगे राइट माइनस टू इस वाली वैल्यू को जीरो किया तो माइनस टू क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है और नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जो मॉडुलस ऑफ एक्स है वो आपको जीरो क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है क्योंकि ओवरऑल 2 मॉडुलस यहां बने हुए हैं चाहे तो आप इसको इस लेवल पे भी सॉल्व कर सकते हैं यहां पे आपने लिया मॉड एक्स माइनस टू LCM ले लिया पूरा तो ये देगा मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 राइट और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x और फिर मल्टीप्लाई होगा माइनस टू सो प्लस 4 राइट ये बेटर होगा इस तरह से लिखना और अब हम क्रिटिकल पॉइंट की बात तो कर चुके हैं ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग माइनस टू क्रिटिकल पॉइंट है जीरो क्रिटिकल पॉइंट है और नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है हमें 3 केस डिस्कस करना है फर्स्ट वो डिस्कस करना है व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस 2 और सेकंड केस डिस्कस करना है व्हेन एक्स की वैल्यू लाई कर जाए 0 से माइनस 2 के बीच में ठीक है इसको ऐसा लिख दें व्हेन एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 टू माइनस 2 और थर्ड केस डिस्कस करेंगे हम व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इन 3 केसेस पे काम होगा और उससे सॉल्यूशन निकलेगा और उसका तीनों का यूनियन करना है तो हम फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे दिस इज माइनस टू राइट सो फर्स्ट केस ले लेते हैं केस वन में आएगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस टू हो ठीक है माइनस टू से छोटा हो तो जो सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है दो क्रिटिकल पॉइंट है माइनस टू यहां पे और आपका इस तरफ है जीरो तो ये फर्स्ट वाले क्रिटिकल पॉइंट से भी अगर पीछे जा रहे हैं तो दोनों मॉडुलस नेगेटिव ओपन होते हैं मालूम है तो उसको आप लिखेंगे माइनस एक्स माइनस टू और ये भी नेगेटिव तो आपको देगा प्लस टू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय एंड दिस इज माइनस एक्स माइनस टू और साइन अभी यही चल रहा है तो देखिए ये मिलेगा हमें एक्स प्लस टू देगा और नीचे से अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो ये आएगा अब देखिए कंडीशन थी When x is less than माइनस टू तो माइनस टू है माइनस टू हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और ये फैक्टर इनइक्वालिटी में इस तरह कैंसिल हो जाता है क्योंकि x का वैल्यू तो हम इक्वल टू माइनस टू ले ही नहीं रहे तो उसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं लेगा जीरो बाय जीरो जैसा कोई वैल्यू नहीं है राइट सो यू कैन कैंसिल दिस फैक्टर और सेकेंड पॉइंट ये दे देता है माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो जब आप उस फैक्टर को हटा देते हैं तो आपको जो रिजल्ट लिखा हुआ मिलता है माइनस वन ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज एब्सर्ड रिजल्ट एब्सर्ड का मतलब बकवास होती है कि मतलब माइनस वन जीरो से बड़ा नहीं होता तो यहाँ पे आपको जो है नो सॉल्यूशन का केस मिलने वाला है क्योंकि ये ऐसी बात हमने चालू की कि जब एक्स की वैल्यू माइनस टू से छोटी हो तो हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो उसने हमें एक ऐसा रिजल्ट दिखाया कि माइनस वन ग्रेटर देन जीरो तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते ठीक है ना इसका मतलब इस केस में सॉल्यूशन नहीं बनेगा फिर आ जाएंगे हम नेक्स्ट केस पे नेक्स्ट सेकंड केस है ठीक है तो सेकंड केस ये बोलता है केस सेकंड अकॉर्डिंग टू द केस सेकंड उसकी कंडीशन है जब एक्स की वैल्यू लाई कर जाए आपकी जीरो टू माइनस टू से जीरो के बीच में अब आप देखिए माइनस टू से जीरो के बीच में पहले सोच लीजिए जो x प्लस टू वाला मॉडुलस है पॉजिटिव ओपन देना है
और जीरो वाला नेगेटिव ही खुलेगा क्योंकि जीरो से पीछे है और इसके आगे है। यहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट आता है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू के, हम आगे चल रहे हैं जीरो से पीछे चल रहे हैं, तो जीरो से पीछे चल रहे हैं इसका मतलब वो मॉडुलस नेगेटिव चेंज होगा। ठीक है, तो इसको लिख दिया जाए राइट, माइनस टू से आगे है तो ये पॉजिटिव है, तो ये देखिए आपको पॉजिटिव ओपनिंग दे रहा है और ये वाला नेगेटिव दे रहा है, तो इसको हम प्लस टू एक्स लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस फोर, वैसे ही नीचे आ जाइए, ये वाला नेगेटिव लिख रहे हैं, ठीक है नेगेटिव लिख रहे हैं, तो ये नेगेटिव लिख दिया माइनस टू, बाकी उसी कंडीशन पे फिर सॉल्व करना स्टार्ट किया इसको। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं दिस इज थ्री एक्स, थ्री एक्स प्लस सिक्स राइट, माइनस फिर कॉमन ले लो, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, थ्री भी कॉमन आ जाता है, तो वापस देखिए अजीब सी बात है कि उसी तरह का सॉल्यूशन लगभग क्रिएट हो रहा है, और एक्स प्लस टू यहाँ पे इस बार केस इसमें कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, बोलेंगे माइनस टू तो हमने इंक्लूड किया था, तो कंडीशन में फिर ध्यान रखिए कि माइनस टू हम सॉल्यूशन में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, वैन यहाँ पे कंडीशन ले लीजिए कि माइनस टू हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर माइनस टू लिया तो टू ये मॉडुलस है उसका, टू माइनस टू जीरो बना रहा है, तो ये वाली कंडीशन भी क्रिएट नहीं होगी। सीधी सीधी बात यह है, हम यहाँ पे ये चीज बोलेंगे कि बिकॉज व्हेन यू पुट द माइनस टू, एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट करते हैं, तो माइनस टू से भी क्या आता है आपका, माइनस टू का मॉड लेंगे टू आएगा, टू माइनस टू जीरो बनाएगा, तो जीरो नीचे नॉट डिफाइंड कंडीशन बना देता है, इस वजह से उसको भी हटाया जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि एक्स की वैल्यू माइनस टू नहीं लेते हुए ही इस पर काम करना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इस फैक्टर को हम हटा सकते हैं। फिर वापस वही बात आ गई, माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो तो नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब है सेकंड केस में भी कोई सॉल्यूशन इसमें से नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम आ जाएं थर्ड केस पे, तो जैसे ही थर्ड केस पे आएंगे, थर्ड केस बोलता है कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये जल्दी जल्दी आप लोग कर पाओगे, मैं तो आपको पूरा सॉल्व कर करके दिखा रहा हूं, तो टाइम तो लगने ही वाला है। ठीक है, तो जीरो से बड़े की बात कर ले थर्ड केस, सो दिस इज द केस थर्ड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब दोनों मॉडुलस पॉजिटिव ओपन करने, तो लिख दीजिए पॉजिटिव, एक्स प्लस टू पॉजिटिव ओपन किया, माइनस टू एक्स जो है साइन उसके साथ ही जाएगा, प्लस फोर डिवाइडेड बाय दिस इज एक्स माइनस टू और ग्रेटर देन जीरो। अब इसको फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, प्लस एक्स तो माइनस एक्स देगा, और यहाँ प्लस टू फोर प्लस सिक्स मिल रहे हुआ, ठीक है x माइनस टू हो गया, ग्रेटर देन जीरो लिख दो, माइनस कॉमन ले लो, मालूम है कि x का कॉफिशियंट नेगेटिव नहीं रखने का, ठीक है ना, सो दिस इज x माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, माइनस हटाना है, ठीक है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगा, माइनस x माइनस सिक्स x माइनस टू लेस देन जीरो बनेगा। ठीक है, और उसके बाद में इसमें आसान है, मतलब आंसर तो दिख रहा है, मालूम चल जाता है, ठीक है ना, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, कई बार मैं लिख लिख के दिखा रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस ऐसी रहनी चाहिए कि 60% आपके माइंड में ये चीज़ चले और उसको खाली 40-30% ही उसको लिखना पड़े, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, ये मैं कंपटीशन की बात बता रहा हूँ, और यही चीज़ अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पर फिर स्टेप मैटर कर जाते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों में एक बहुत वैसी चीज़ है कि सेम कंडीशन में स्टूडेंट इस बात को सीखता है कि जब हम बोर्ड में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिस्टमेटिकली लिखेंगे, और जब कंपटीशन में देंगे तो किस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना, कंपटीशन में तो ऑप्शन में से ही लिखना है सीधा सीधा। सो क्रिटिकल पॉइंट देख रहे हो आप कितने आ रहे हैं, इसमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है आपको 2 और 6। ठीक है, जब क्रिटिकल पॉइंट मिल गया और लास्ट सिचुएशन चल रही थी लेस देन जीरो की, तो ये आपका प्लस माइनस प्लस है ही है। ठीक है, सो देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। फाइनल सॉल्यूशन इसलिए लिख पा रहे क्योंकि केस वन में भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, टू में नहीं मिला, तो केस थ्री में जो भी सॉल्यूशन है वो फाइनली है। ठीक है, सो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू 2 to 6 इज द फाइनल सॉल्यूशन। इस तरह से ये इसमें आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनइक्वलिटी को यूज़ कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यूज़ कर रहा है, और इनइक्वलिटी ऑलरेडी है ही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले देख लीजिए कि क्या है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है 2 to the power x,
2 टू द पावर x दिख रहा है, और पर्टिकुलर इस फैक्टर की बात करें तो 2 की पावर 1 होगा इंटू 2 टू द पावर माइनस x होगा, राइट। तो उसको हम थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखें, ये 2 लिखा जाएगा, और 2 टू द पावर माइनस x को हम बेटर उसको डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, 2 टू द पावर x होता है माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 जाएगा डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अभी थोड़ा कन्वीनियंस के लिए ऐसा करते हैं, 2 टू द पावर x को y लेट कर लेते हैं, लेट दिस इज 2 टू द पावर x इज y, सो दिस इज 2 अपॉन y माइनस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। और जैसे ही हम इसमें y LCM लेंगे तो y नीचे जाएगा, 2 माइनस y स्क्वायर प्लस y अपॉन ये y इसके साथ नीचे आ जाएगा, y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। और इसके फैक्टर लेने से पहले आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, माइनस कॉमन लोगे आप, y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y इंटू y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस साइन डिलीट करेंगे, ठीक है। जैसे ही माइनस साइन हटाएंगे तो ये साइन जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हम बना लेते हैं, तो इसके पहले फैक्टर ले लो, इसके y माइनस 2 दे रहा है और y प्लस 1 दे रहा है, ठीक है, y इंटू y माइनस 1 हो जाएगा, राइट। और स्पीडली जो है देखिए हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं, दिस इज 2 क्रिटिकल पॉइंट है, माइनस 1 क्रिटिकल पॉइंट है, 0 क्रिटिकल पॉइंट है और 1 क्रिटिकल पॉइंट है, और इसको आपने नंबर लाइन पे प्लेस किया, राइट। नंबर लाइन पे देखेंगे माइनस 1 पहले आ रहा है, उसके बाद आएगा 0, फिर आएगा 1 और इसके बाद आएगा 2, और प्लस माइनस प्लस क्योंकि पॉजिटिव लेना है, सो दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ये भी आपने किया, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, देयरफॉर y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनेट टू माइनस 1 आएगा, माइनस 1 देख लीजिए इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। यूनियन आप लिखोगे 0 टू 1, 0 इंक्लूड नहीं होगा और 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, 0 टू 1, 0 क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर में है, 1 क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर में है, तो 0 टू 1 ओपन इंटरवल लिखना है, लिखा हमने, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है आपका यूनियन पॉजिटिव रीजन में 2 टू इनफाइनिट, 2 इंक्लूड करा सकते हो, सो इसको आप लिख दोगे 2 से इनफाइनिट। देखिए ये काम हुआ, लेकिन जो ये y की वैल्यू है, ओरिजिनली हमने इसको खाली एक लेट किया था, लेट करके इसको सॉल्व किया था, वो 2 टू द पावर x की वैल्यू है, जो हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो x के लिए लिखते हैं फाइनल, ठीक है। तो अभी आप इस y को यहीं पे एक काम कीजिए, 2 की पावर x लिखिए, 2 की पावर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनिट टू माइनस 1। देखिए इससे हम 2 की पावर x से अब इंटरवल बनाना चाहेंगे x का, ठीक है, तो वही बात चल रही है, 0 टू 1 एंड यूनियन 2 टू इनफाइनिट। और यहां हम बात करें इसकी कि ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, 2 की पावर x है, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा a टू द पावर x की अगर देखें हम इसे, तो वो नेगेटिव साइड में कभी नहीं जाता, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर x की वैल्यू, 2 टू द पावर x में व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1 दिस वैल्यू इज ऑलवेज अबव द x एक्सिस, तो ये इंटरवल इसमें आएगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिलीट दिस वन, राइट। उसको हम डिलीट कर देंगे तो ये इंटरवल एक हट जाएगा, तो 2 टू द पावर x बिलोंग्स टू जो बचेगा आपको 0 टू 1 बचेगा, यूनियन 2 टू इनफाइनिट बचेगा। अब आप देखिए ये वैल्यू जो है 2 टू द पावर x की है, इससे हमें x निकालना है, तो यहां थोड़ा समझने के लिए एक काम आप करेंगे कि हम 2 की पावर x की वैल्यू जो कि 0 टू 1 जा रही है या 2 टू इनफाइनिट जा रही है, इससे हम क्रिएट करना चाहते हैं x की वैल्यू। तो उसको देखिए, उसका एक तरीका है कि हर एंड पे एक पॉइंट की जो वैल्यू है उसको लिखते चले जाएंगे, ग्राफ का आप ध्यान रखेंगे कि ग्राफ जो है आपका वो 2 टू द पावर x का है, राइट। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो इस तरह का ही है, इसी की सारी बात चल रही है, ठीक है ना। तो सभी एंड पे
अगर आप 2 टू द पावर x को 0 रखते हैं, ठीक है, 0 पॉसिबल होता नहीं है क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं था इस एंड पे, ठीक है। तो 0 वैल्यू तब आएगी 2 की पावर x की, मींस इस पूरी वैल्यू को देखेंगे 2 टू द पावर x 0, 0 मींस ये लगभग 0 के आसपास टच करेगा जब x की वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट। तो हम अपना फाइनल आंसर जो है x के लिए लिख रहे हैं, x बिलोंग्स टू, तो जो 2 टू द पावर x 0 था तो x मिला माइनस इनफाइनाइट। वहां आप देख लीजिए ग्राफिकली कि माइनस इनफाइनाइट जैसे ही पहुंचेगा तो जो 2 टू द पावर x की वैल्यू y वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा और इंक्लूडेड था नहीं तो हमने यहां पे ओपन इंटरवल डाला। इसके बाद हम बात करें सेकंड पॉइंट की कि अगर 2 की पावर x 1 ले इस एंड पे, ठीक है, तो 1 होती है लगभग 2 की पावर 0 पे, तो उस केस में x 0 आएगा, ठीक है, तो x आप 0 लिखेंगे यूनियन। फिर अब बात करें हम 2 की, तो अगर 2 की पावर x को 2 की पावर x को 2 लिखें इस एंड की बात कर रहे हैं, राइट, तो इसका मतलब इसको पावर कंपैरिजन लेंगे तो x आएगा 1, तो ये 2 की पावर x का इंटरवल है, ये x का इंटरवल है, तो यहां पे आपको मिलने वाला x 1 1। और अब लास्ट वाला बात कर लें 2 टू इनफाइनाइट, 2 टू द पावर x अगर इनफाइनाइट हो, यहां से ग्राफ से देखिए 2 की पावर x इनफाइनाइट हो मतलब ये वैल्यू ऊपर इनफाइनाइट जाए, तो अगर y की वैल्यू ऊपर इनफाइनाइट जाएगी तो फिर x भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यहां पे हमें x देखना पड़ेगा, x भी आगे इनफाइनाइट पे होगा तो y इनफाइनाइट पे होगा, ठीक है, तो इसका मतलब इस एंड पे आपको इंफिनिटी लगाना है और यही इस केस में फाइनल आंसर बनेगा, राइट। इसके बाद एक और सवाल ले लेते हैं, देखिए ये एक और सवाल है, 0.3 टू द पावर 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 2x तक वैल्यू गया ग्रेटर देन 0.3 टू द पावर 72, राइट, तो यहां पे एक सीरीज दे रखी है उसको हमें ऐड करना होगा और बेस वैल्यू को देख लीजिए, बेस वैल्यू उसकी 0 टू 1 है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा जब हम एक्सपोनेंट कंपेयर करेंगे, तो ये हमें बताइए 0.3 टू द पावर, इसमें बेटर यह है कि 2 कॉमन ले लें और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और ये वैल्यू चले जाती है x तक, राइट, सो दिस गोज अप टू x एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.3 टू द पावर 72, ठीक है। अब एक काम करो, इसको आप ऐड कर दीजिए, सीरीज है 0.3 टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ और 0 से लेके अगर n तक जाता है तो n n plus 1 by 2 होती है समीशन उसका, n नेचुरल नंबर्स का, और ये x तक गया है, तो x इंटू x प्लस 1 by 2 हो जाएगा ग्रेटर देन 0.3 टू द पावर 72 हो जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू कैंसिल होती है एंड डायरेक्टली एक्सपोनेंट कंपेयर करना है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना है, ठीक है, तो आप लिखेंगे सो यू कैन राइट द x इंटू x प्लस 1 इज लेस देन 72, राइट, और इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इज लेस देन 0, फैक्टर्स डायरेक्ट आ रहे हैं हमारे पास में x प्लस 9 एंड x माइनस 8, राइट, लेस देन 0, और उसके उठाकर आप क्रिटिकल पॉइंट्स बना लीजिए, माइनस 9 और 8 आ रहा है, सो माइनस 9 एंड दिस इज 8, सो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और फिर हमें वैल्यू लिखनी है नेगेटिव, सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस 9 टू 8, माइनस 9 टू 8 इज द आंसर, बिकॉज ये x प्लस 9 था, माइनस 9 फैक्टर आया और इससे 8 आया, तो हमें जो इसका सॉल्यूशन मिलता है दैट इज फ्रॉम माइनस 9 टू 8। सो दिस इज हाउ द एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी इज कंप्लीटेड, राइट। इसके बाद में हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी। ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी जानने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में जो जनरल सॉल्यूशन हम लिखते हैं वो सब पता होना चाहिए, तो उसको आप पहले देख लीजिए। सो इससे नेक्स्ट जो चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी, क्योंकि वहाँ मैं डायरेक्टली रिजल्ट्स लिखूंगा और इनइक्वालिटी उस कंडीशन में सॉल्व करना होगा, ग्राफिकल यूज़ भी उसमें आने वाला है।